25 अक्टूबर शुभ शुक्रवार। 25 अक्टूबर एक सच्चा बात, लॉटरी सिर्फ पैसों की ही नहीं होती, सही इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। 25 अक्टूबर देश के सभी कलाकारों को विश्व कलाकार दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 25 अक्टूबर को विश्व पास्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1995 में हुई थी। इस दिन को मनाने का मकसद पास्ता के सांस्कृतिक और पाक महत्व को बढ़ावा देना है, साथ ही पास्ता खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना भी इसका मकसद है। 25 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस। बौनापन में कुछ गलत नहीं है, सभी को गर्व से जीने और खुश रहने का हक है। 25 अक्टूबर एमडीएस विश्व जागरूकता दिवस। इस दिन का उद्देश्य माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम नामक इस दुर्लभ जीन संबंधी बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 25 अक्टूबर गीता एवं उपनिषदों पर अपने प्रवचन के लिए प्रसिद्ध पांडुरंग शास्त्री आठवले जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। 25 अक्टूबर मूर्ति देवी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार व ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भारतीय कथाकार निर्मल वर्मा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। 25 अक्टूबर भारतीय टेलीविजन व्यक्तित्व और आम आदमी की समस्याओं पर व्यंग्य करने के लिए प्रसिद्ध हास्य कलाकार जसपाल भट्टी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। 25 अक्टूबर भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश मानेपल्ली नारायण राव वेंकटचलैया जी को जन्मदिन, हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखें। मोबाइल को दिल के पास जेब में रखने के नुकसान। 1. मोबाइल की रेडिएशन स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकती है। 2. दिल की धड़कन में असामान्यताएं हो सकती हैं। 3. फोन गर्म होने पर हृदय के पास फटने का जोखिम हो सकता है। 4. शरीर के मुख्य अंगों पर दबाव पड़ सकता है। मजेदार जानकारी, मुंबई को भारत की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी माना जाता है। यहाँ देश के अधिकांश करोड़पति निवास करते हैं। 24 अक्टूबर शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के प्रतीक हमारे समस्त वीर सैनिकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को पोलियो के खतरों के बारे में जागरूक करना, पोलियो से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और संगठनों का सम्मान करना और पोलियो को खत्म करने के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में बताना है। विश्व पोलियो दिवस से जुड़ी कुछ खास बातें। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1985 में हुई थी। ये दिन रोटरी इंटरनेशनल की ओर से बनाई गई पहली पोलियो वैक्सीन की टीम के प्रमुख चिकित्सा शोधकर्ता जोनास साल्क के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को पोलियो वायरस के खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है और समय पर अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दिन पोलियो से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, संगठनों और स्वयंसेवकों का सम्मान किया जाता है। इस दिन पोलियो को खत्म करने के लिए जरूरी प्रयासों के बारे में बताया जाता है। इस दिन पोलियो को वैश्विक स्तर पर फिर से उभरने से रोकने के लिए जरूरी समर्थन, वित्त पोषण और टीकाकरण की जरूरत पर जोर दिया जाता है। भारत में पोलियो को खत्म करने के लिए साल 1994 में पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था। पोलियो से बचाव और प्रबंधन के टिप्स। 1. बच्चों को समय पर पोलियो वैक्सीन लगवाएं। 2. केवल सुरक्षित और स्वच्छ पानी का सेवन करें। 3. हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं। 4. खाने की सामग्री को अच्छी तरह धोकर और पकाकर खाएं। 5. बच्चों की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से करवाएं। 24 अक्टूबर विकास सूचना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना एवं संचार राष्ट्र निर्माण के लिए एक समृद्ध समाधान प्रदान करता है, आइए इसके विकास में योगदान करें। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी प्राथमिक भूमिका विश्व की सुरक्षा और शांति की देखभाल करना। 24 अक्टूबर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के स्थापना दिवस के अवसर पर देश की सीमा पर तैनात सभी वीर जवानों को शत शत नमन। 24 अक्टूबर भारत की आजादी में अहम भूमिका अदा करने वाली आजाद हिंद फौज में शामिल रही लक्ष्मी सहगल जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। 24 अक्टूबर भाजपा के ऊर्जावान एवं युवा सांसद अनुराग ठाकुर जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 24 अक्टूबर राजनेता, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता व समाजवादी रफी अहमद किदवई जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। रोचक तथ्यों, सांस्कृतिक महत्व और व्यवहारिक चर्चा के लिए हमसे जुड़ें। अधिक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।